अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां जेठ के बेटे ने अपनी मां समान चाची की आबरू लूट ली। वारदात के समय पीड़िता घर पर अकेली थी। शराब की नशे में जेठ का बेटा रात में घर घुसा और जबरदस्ती करने लगा। जब महिला ने विरोध किया तो भतीजे ने चाची से मारपीट की और उसके साथ हैवानियत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला ग्वालियर की बहोड़ा थाना इलाके का बताया जा रहा है। 35 वर्षीय महिला घर पर अकेली रहती है। उसके दो बेटे शहर से बाहर नौकरी करते हैं। पीड़िता ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि जेठ का लड़का शराब के नशे में घर पर आया और उसके बाद जबरदस्ती करने लगा। पीड़ित महिला ने जब विरोध किया तो उसने बाल खींच कर जमीन पर पटक दिया और मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद आरोपी ने पीड़ित महिला के हाथ पैर बांध कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी रात भर महिला के साथ हैवानियत करता रहा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहा। सुबह पीड़िता महिला थाने पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को भी दबोच लिया है। बहोड़ापुर थाना प्रभारी संतोष यादव का कहना है कि आरोपी ने पीड़ित महिला के हाथ पैर बांध कर मारपीट की और पूरी रात हैवानियत करता रहा। इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।